नमस्कार, आपका स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। मैं हूं आपके साथ चेताली पाटिल और रुक करते हैं खबरों की ओर। रायपुर में नो योर आर्मी कार्यक्रम के लिए भीष्म टैंक के रायपुर आने से नागरिकों समेत जिला प्रशासन में भारी उत्साह है। भीष्म टैंक के आने के बाद आम नागरिक अपने परिवारजनों के साथ देखने पहुंचे। दरअसल भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने और दुश्मन देश को अपना लोहा मनवाने केंद्र सरकार ने रशिया से 390 टैंक खरीदा। वही कुछ जरूरी बदलाव के बाद भारतीय सेना ने 390 टैंक को भीष्म का नाम दिया। भीष्म टैंक को देखने बड़ी संख्या में लोग अपने परिवारों के साथ पहुंचे, जिससे हमारे संवाददाता गोपी कृष्ण साहू ने खास बातचीत की। वही इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ संवाददाता गोपी साहू जो है वो लाइव जुड़ गए हैं। गोपी, देखा जाए तो जो टैंक सिर्फ पिक्चरों में या फिर यूं कहे युद्ध की किताबों में देखा है, वो आज जनता जो है जमीनी स्तर पर देख रही है, तो किस तरीके से उनमें उत्साह है और क्या कुछ जो खास है इस प्रदर्शनी के द्वारा जो लोग हैं उनको बताया जा रहा है? जी चैताली, बिल्कुल नो योर आर्मी यानी भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह है, इसे लेकर लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पहले दिन भीड़ कम थी, लेकिन अब आज दूसरे दिन मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा जहां पर लंबी लाइनें जो है वो लगी है और जो लोग हैं वो घंटों इंतजार कर रहे हैं प्रदर्शनी देखने के लिए, ताकि वो अपनी सेना को करीब से जान सके। और इसी उत्साह के चलते ही मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस कार्यक्रम को एक दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया। जो कार्यक्रम 5 और 6 अक्टूबर को होने थे उसे 7 अक्टूबर को भी आयोजित होगा और इसके समय में भी परिवर्तन किया गया, समय को भी बढ़ाया गया है, ताकि लोग सुबह और शाम को आकर भी इस प्रदर्शनी में देख सकें, अपनी आर्मी को जान सके, जो आधुनिक गन्स है, जो हथियार है, जो ग्रेनेड लॉन्चर है उन्हें देख सके। और इसी के लिए ही ये लंबी जो कतारें हैं वो लगी हुई, और देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खास तौर पर जो युवा, बड़ी संख्या में युवा यहाँ पर पहुंच रहे हैं और इन ये ग्रेनेड लॉन्चर जो है, ग्रेनेड मिसाइल, उसे यहाँ पर देखने की भीड़ जो है वो लगी हुई है। और मैं आपको लाइन से जो ये जो आधुनिक हथियार हैं, जो मशीन गन्स हैं, अब वो यहाँ पर लगे और इन्हें ही जो लोग हैं वो करीब से देख पा रहे हैं, फोटोज खिंचा पा रहे हैं, जान पा रहे हैं। यहाँ पर जो सेना के जवान हैं वो इन्हें ब्रीफ कर रहे हैं एक एक करके, किस तरीके से ये काम करते हैं और इसमें किस तरीके से ये इनका यूज करके दुश्मनों को वार करते हैं। देख सकते हैं कि ये जो नेगेव LMG गन्स हैं, आधुनिक हथियार हैं सभी, जो हमारी सेना के पास हैं, जो हमारे सेना के शौर्य को ये सभी दर्शाते हैं, ये जो गन्स हैं हथियार। यहाँ पर देख सकते हैं स्नाइपर, जिसकी सबसे अधिक चर्चा जो है वो होती है, युवाओं में जिसका अधिक क्रेज है, जिसका VVIPs की सुरक्षा में मेन जो इस्तेमाल है, जो किया जाता है, ये है स्नाइपर्स राइफल। और इसे ही जो हमारे सेना के जवान VVIPs ड्यूटी में अक्सर इसका उपयोग करते हैं। ये देख सकते हैं कि ड्रोन्स रखे हैं यहाँ पर, मोर हैं, साथ ही जो रडार है वो भी है कि यदि कोई दुश्मन जो हमारे क्षेत्र में, यदि कोई दुश्मन का कोई हेलीकॉप्टर्स है या फिर कोई और जो घुस आते हैं उसे ये रडार जो है वो पकड़कर तुरंत इन्फॉर्म करता है हमारे जवानों को कि सेना के कुछ लोग यहाँ पर घुस चुके हैं। तो इस तरीके के आधुनिक जो उपकरण हैं, हथियार हैं, वो सभी यहाँ पर रखे हुए हैं। देख सकते हैं कि सभी वर्ग के लोग, चाहे वो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, युवा, सभी यहाँ पर बड़ी संख्या में पहुँच रहे हैं और उन्हें करीब से जान रहे हैं। और इसीलिए ही यह कार्यक्रम रखा गया है भव्य सशस्त्र सैन्य समारोह नो योर आर्मी, ताकि लोग यहाँ पर पहुँचे और जो अपनी आर्मी को जान सके। देख सकते हैं जिस भीष्म टैंक की हम बात कर रहे थे, आज भी लोगों में क्रेज जो है वो देख सकते हैं, बड़ी संख्या में लोग टैंक पर चढ़कर फोटोज खिंचाते हैं, उन्हें जानते हैं, देखते हैं कि कैसे हमारे जवान इस टैंक के माध्यम से सामने वाले जो विरोधी हैं, जो दुश्मन हैं, उन पर कैसे वार करते हैं, उनको किस तरीके से ध्वस्त करते हैं। हम यहाँ पर कुछ लोग आए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि उन्हें कैसा महसूस होता है जब वो अपने जवानों को, अपने जो सेना को इतने करीब से जानते हैं, तो उनमें कैसा महसूस होता है वे अभी हम जानने की कोशिश करेंगे। जी, यहाँ पर पहुँचे हैं, काफ़ी अच्छा आयोजन जो है वो हो रहा है, क्या कहेंगे इस तरीके के कार्यक्रम को लेकर?
बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम सरकार ने किया है और ऐसे कार्यक्रम हमेशा होना चाहिए क्योंकि युवाओं को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम होने चाहिए। बड़ी संख्या लंबी लाइनें लगी हुई है इन्हें देखने के लिए, कैसा महसूस हो रहा है जब इसे आप करीब से देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं? हमने तो पहली बार ये सब देख रहे हैं, देख के ऐसा लग रहा है कि हमारी सेना कितनी मजबूत सेना है, ये हथियार देखने से ऐसा लगता है। और काफ़ी संख्या में युवा आ रहे हैं, उनको देखने को मिल रहा है, काफ़ी जागरूक हो रहे हैं देश को लेके और अपने सिस्टम को लेके, काफ़ी जागरूक हो रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा आयोजन किया है। बिल्कुल, जो आधुनिक हथियार हैं उन्हें जब देख रहे हैं तो इन्हें अपनी सेना के जो शौर्य है, जो पराक्रम है, उस पर गर्व महसूस हो रहा है कि हमारा जो देश है वो कितना आधुनिक अब हो चुका है और हम ये हमारी सेना को दर्शाता है। ऐसे जो कार्यक्रम है वो होने चाहिए, ऐसे लगातार मांगे हमने आम जनता की यहाँ पर देख रहे हैं। देख सकते हैं कि कैसे लंबी लाइनें, ये जो मैं लाइनें आपको दिखा रहा हूँ वो इसी प्रदर्शनी के लिए है कि लोग यहाँ पर खड़े हैं। धूप है, आज मौसम जो है वो बादल छाए हुए हैं तो इसके चलते काफ़ी भीड़ जो है वो भी अब अधिक है और यही कारण है कि इस कार्यक्रम को एक दिन और बढ़ाया गया है, क्योंकि जो लोगों में उत्साह इस कार्यक्रम को लेकर है ये काफ़ी सराहनीय है और लोगों में इसे लेकर काफ़ी अब जागरूक भी जो है वो लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से हो रहे हैं। जी जी गोपी, बात की जाए, मैं देख पा रही हूँ कि काफी लंबी लंबी लाइनें जो है वो लगी है। हम चाहेंगे कि आप युवाओं से चर्चा करें क्योंकि युवा जो है वो देश का भविष्य है और इस तरीके से इतने नजदीक से जितनी भी गन्स है, जितनी भी तोप है, LMG, SLR, इंसास, इन सबको देखना एक सामान्य युवा, सामान्य व्यक्ति के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने प्रदर्शनी लगाई है तो जितनी भी गन्स, तोप, ड्रोन्स है वो सामान्य व्यक्ति जो है अभी देख पा रहा है, तो उनमें किस तरीके का उत्साह है और क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? जी बिल्कुल, हम युवाओं से भी बात करेंगे कि उन्हें क्या कहना है। आप भी यहाँ पर पहुंचे हैं अपने बच्चों को लेकर, परिवार के साथ यहाँ पर पहुंचे, क्या कहेंगे कार्यक्रम के बारे में कि जब हम आधुनिक हथियारों को देख पा रहे हैं, छू पा रहे हैं? इसे बहुत अच्छी जानकारी मिल रही है हमको, यहाँ पे बच्चों को भी लेके आए हैं हम, बच्चों को भी नई नई चीज़ें देखने को मिल रही है, जो एडवांस टेक्नोलॉजी अभी क्या यूज़ हो रही है, पहले कितनी बड़ी बड़ी मशीनें होती थी, अभी छोटे रूप में बहुत एडवांस देखने को मिल रही है, बहुत अच्छी नॉलेज हमको मिल रहा है यहाँ पे। ऐसे हम हथियार जो है वो अक्सर मूवीज में ही देखा करते थे या फिर फोटोज में देखा करते थे, राजधानी में पहली बार आए हैं, चाहे इतने आधुनिक टैंक हैं, चाहे हथियार हैं, क्या कहेंगे कार्यक्रम के बारे में? कार्यक्रम बहुत अच्छा है और बहुत अच्छी नई नई जानकारी मिल रही है, पहली बार ये छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है, जो आप बताए जैसे मूवी में देखने को मिल रहा है, सामने देखने में बहुत अच्छा लगा, हमें बहुत सारी नई जानकारी मिली। तो बिल्कुल, लोग अपने परिवार को भी लेकर यहाँ पर पहुँच रहे हैं और उन्हें इस प्रदर्शनी जो है वो दिखाया जा रहा है। हम और भी युवाओं से बात करेंगे कि वो कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे। आप यहाँ पर पहुँचे हैं प्रदर्शनी में, क्या कहेंगे, आधुनिक हथियार देखने को मिल रहे हैं? बढ़िया लग रहा है, पहले पबजी में बस देखे थे, अभी रियल लाइफ में देखने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल, पहले वीडियोस गेम्स में ही ऐसे जो हथियार हैं वो देखने को मिलते थे, अब आप सामने जाएंगे, अपने हाथों में उठाकर फोटोज भी जो खिंचाने का वो ही मौका मिल रहा है, जानने का मौका मिल रहा है अपनी सेना को। जी जी, वो अब बहुत पहली बार हो रहा है ये, तो अच्छा लगेगा देखकर, वो इसीलिए जा रहे हैं लाइन लगे हुए। जी बिल्कुल, लोग लाइन में लगे हैं लेकिन जो उत्साह है वो है, चेहरे में मुस्कान है, लाइन की कोई उन्हें तकलीफ नहीं है, क्योंकि वो जब अपनी सेना को जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जिन हथियारों को उन्होंने वीडियोस गेम्स में देखे, फिल्म में देखे, अब वो वहाँ पर पहुँच कर उन्हें सामने से देख पा रहे हैं। हमारे साथ कुछ और भी युवा हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि उन्हें क्या कहना है। यहाँ पर पहुँचे हैं, लाइन लंबी है, देख रहे हैं कि लंबे समय से आप लोग लाइन पर लगे हैं और अब करीब हैं हथियारों के भी देखने जा रहे हैं। देखने के लिए एक्साइटमेंट तो बहुत है, अभी छू के देखेंगे तो और ज़्यादा मज़ा आएगा हमको। ये सब जितने भी गन हैं सब कुछ यूज़ हो चुके हैं लड़ाई उड़ाई फाइट वाइट में, जितने भी वॉर हुए हैं सब में यूज़ किए हुए गन है, तो उनको देखने में और ज़्यादा हमको मतलब एक्साइटमेंट और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, सामने पहुँचते जा रहे हैं। आधुनिक गन है, हमारी सेना अब आधुनिक हो चुकी है, उनके पास कई सारे इक्विपमेंट है कि हमारे जो दुश्मन है वो कहाँ पर है, किस तरीके से उन्हें हमला करना है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी है, लगातार हमारी सेना आगे बढ़ रही है और उन्हीं टेक्नोलॉजीज को देखने का मौका मिल रहा है लगातार यहाँ पर। देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि बता रहे हैं कि कितने mm का गोली लगता है, जैसे कि इसमें बताया गया है कि 105 mm की गोला लगता है, 17 किलोमीटर के रेंज तक वो फायर कर सकते हैं, सब बता रहे हैं, नौजवान हैं, पूरा गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है जान के हमें।
बिल्कुल, जो सेना है वो यहाँ पर गाइड भी कर रही है युवाओं को। हमारे साथ कुछ महिलाएं भी हैं, बच्चे हैं, फैमिली के साथ आए हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। परिवार को लेकर आप इस सैन्य समारोह में पहुँचे हैं, क्या कहेंगे? बहुत बढ़िया आयोजन है, बच्चों से पूछिए, बच्चों को ज़्यादा आप लोगों को तो बच्चों से पूछना चाहिए, हमारे पास तो हमारा व्यू है, बच्चों से पूछिए। क्या कहेंगे, यहाँ पर पहुँचे हैं, हथियार देखने को मिल रहे, टैंक पर चढ़े थे आप, क्या कहेंगे? कार्यक्रम अच्छा लग रहे हैं, ऐसे कार्यक्रम और होने चाहिए। ये हथियार जो आपने पहले मूवीज में देखे थे, वीडियो गेम्स में, तो अब कैसा महसूस हो रहा है? अच्छा, अच्छा लग रहा है। कौन सी क्लास में हैं आप? क्लास टू। आप क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर? बढ़िया है सब कुछ, बस थोड़ा पानी बॉटल की अरेंजमेंट होना चाहिए। तो बिल्कुल बच्चों में भी उत्साह है, क्योंकि वो इस पर देख पा रहे हैं अपने हथियार को, अच्छा महसूस वो कर रहे हैं, लाइन में लगे हैं, लेकिन उनका उन्हें दुख नहीं है, क्योंकि उत्साह उतना है, गर्व वो महसूस इस कार्यक्रम को लेकर कर रहे हैं, अपनी सेना पर कर रहे हैं, उनके हथियारों को देकर उनके बारे में जान पा रहे हैं। जी शुक्रिया गोपी, तमाम जानकारी के लिए और बताने के लिए कि आखिर इस प्रदर्शनी से लोग किस तरीके से उत्साहित है। आपको बता दें कि सेना की तरफ से लगाए गए इस प्रदर्शनी में सभी राइफल्स, टैंक, तोप, ड्रोन सबकी जानकारी जो है वो लोगों को दी जा रही है, और इसको जानकारी को लेकर जो लोग हैं वो काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं।